अब जो तो ये नखरा करनु जन तेर ब्याह हुए नहीं चु अतेन माँ बर धक्का मार हेलो साथियों, नमस्कार पहाड़ों की हसीन वादियों से मैं पंकज डुंगरियाल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में। साथियों आज मैं जा रहा हूं गांव की तरफ और साथ में मेरी मम्मी मम्मी भाई नहीं हाय तो अभी हम लोग गांव के लिए जा रहे हैं। गांव में शादी है तो शादी में हम दोनों मम्मी और मैं जा रहे हैं पैदल रास्ता, क्योंकि सड़क तो हमारे गाँव में है नहीं। तो अभी जंगल से होते हुए पैदल रास्ता हम लोग नाप रहे हैं और शानदार यहाँ से व्यू है, शानदार। मम्मी यहाँ से आप लोगों को बताने वाली है क्या है पुरानी बातें पुरानी चीज़ें। अभी मम्मी की तरफ मैं आप लोगों को ले जाता हूँ, ठीक है। अब तो घास ही घास दिखी उन्होंने, अब तो घास ही घास सर घास ही घास ही बाप रे कथा घास। अब काटने वाला नहीं इनकी, अब कोई नहीं, बुढ़ी दादी चन घर लुआ चली इन देसो सामंत जिंदगी में बोने मां बिताई। तो देखिए साथियों पूरे चीड़ के पेड़ और पूरे चीड़ के पेड़ों के बीच अभी हम लोग जा रहे हैं और शानदार यहाँ से अभी तो ये नखरा करनु जन तेर ब्याह हुए नहीं चु अतेन माँ पर धक्का मार दे भगवान की माया। चप्पा चप्पा चप्पा। तो यहाँ से देखिए साथियों मस्त आहा क्या ऊंची ऊंची डांडियां हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच अभी एक सने सने हवा भी चल रही है अभी और इस हवा के बीच और कानों पे बहुत ही भयंकर लग रही है भैया। और सामने ये आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल गई है कमान गांव, एराड़ी गोनी के गांव दिखाई देते हुए जो सारा ये पट्टी कड़ाकोड में पड़ता है टीरी जनपद में। और अभी हम लोग गांव की तरफ तो चलते हैं और लगातार यहाँ पे साउंड भी, क्योंकि चुनाव ये माहौल है और गाड़ियाँ भी लगातार यहाँ पे प्रचार प्रसार वालों की। आह क्या अच्छी धूप यहाँ पे अब लगी है थोड़ा और शानदार, अब चलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है वरना कान फट गए थे भाई। कमो कमो कार चाहता हूँ घास कैसे धूप लग गए और पूरे चीड़ 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 बस चीड़ के पेड़ ही पेड़ यहाँ भाई। और यहाँ हम लोग लगातार आते रहते हैं जब गांव आते हैं, यहाँ गांव से हम लोग बकरियाँ चराने में ही आते हैं, बैल हो गए बकरी हो गई भैंस हो गए सारी। यहाँ पहले के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाए थे जहाँ बड़ी लोग गाने गा रहे थे, धूप सेकने भी शाम को यहीं आते हैं। तो बस ये जंगल है, उसी जंगल के रास्ते भी हम लोग घर जा रहे हैं। और ये साथियों हमारा होम ग्राउंड यहाँ पे जहाँ पे शानदार क्रिकेट हम लोग खेलते जब छुट्टियों में घरों को आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे जगह है, मतलब बहुत जगह है ना यहाँ पे, देखिए कितना चौड़ा यहाँ पे। अगर कभी यहाँ पे रोड आ जाती है तो शानदार यहाँ पे मिनी स्टेडियम भी बनाया जा सकता है। तो ये हमारी यहाँ पे सबसे पहले वजह तो रहेगी कि इस काम को करवाना है और अपने गाँव के अपने क्षेत्र के, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभाएं यहाँ दिखा सके। ओ मम्मी भी आ रही है पीछे से। शाम को यहाँ पे अच्छा सा ये परिसर जहाँ पे सभी लोग बैठे रहते हैं और पीपल का पेड़ देखिए कितना बड़ा यहाँ पे शानदार है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, यहाँ पे गप्पे लगती है और एक खाई भी है यहाँ।
ताकि पानी स्टोर हो सके इनमें। बड़ी बड़ी खाई है यहाँ पे। और ये अड़ा भाई अड़ा के पेड़। और अभी लगातार दो दिन बारिश हुई तो पानी धो नहीं पाया इकट्ठा, वरना ऐसे यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, ताकि वो पानी जंगली जानवरों के या फिर हमारे पालतू पशुओं के काम आ सके। और ये मम्मी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर दिए भाई, थक लगे भाई, थक लगी बहुत है? लंबा रास्ता है ना है। गाना गाती गाती आई मैं। अच्छा आएगी हरियाली, आएगी पंचमी मौकी, आएगी हरियाली, पंचमी भी है ना इसलिए। तो साथियों फिलहाल गांव के इस ब्लॉग में इतना ही। अभी हम लोग चल रहे, थोड़ा हमें बैठ गया, बस पहुंचने वाले गांव। तो गांव यहां पे हमारा, उसके बाद क्या करने वालों में आज रात यहां पे शादी में हम लोग आए, तो शादी की मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं, ब्लॉग दिखाने वाला हूं। वहां पे जो भी इंजॉयमेंट हम लोग करेंगे वो आप लोगों को बताने वाला हूं। तो तब तक के लिए इतना ही, तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो तब तक जय पहाड़, टाटा बाय बाय। मैं बाय बाय कर दे भाई। बाय बाय।